अब है चेंज इनटू जनरल नंबर, साधारण संख्या में बदलिए। इसमें क्वेश्चन जो है आपका 5, 2, 6, 7 एंड 8, ये सारे क्वेश्चन हैं और इजी वे है, इसको चेंज करने का मेथड भी बहुत इजी है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट होगी जिसके ऊपर बार लगा हो, बार मतलब जिसके ऊपर माइनस का साइन लगा हो, उस डिजिट को हमें जब बदलना है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, हमें बदलते समय ध्यान रखना है कि इसकी प्रोसेस क्या है। बस इसकी प्रोसेस ये है, जिसके ऊपर माइनस का साइन है, पहली संख्या जिसके ऊपर भी माइनस का साइन है वो 10 में से माइनस करनी है, और दूसरी जो उसके आगे जाएंगे उस संख्या को 9 में से माइनस करना है। लेकिन माइनस जब करना है जब वो डिजिट आपकी 5 या 5 से ज़्यादा हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है तो उस डिजिट को एज इट इज उतारना है और उसके नीचे एक डॉट लगाना है, जिसको हम बोलते हैं एक न्यू नेम। तो हम इसको करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। हमारे पास पहली इसके ऊपर माइनस नहीं है तो हमें एज इट इज इसको उतारना है, पहली संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे एज इट इज। इसके बाद में इसके ऊपर बार है यानी कि माइनस करना है, तो पहली संख्या मिल गई हमें माइनस करने के लिए, फर्स्ट डिजिट माइनस करना है 10 में से, तो 10 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 9 में से माइनस होगा, नहीं तो उसको एज इट इज़ उतारना है। तो ये 5 या 5 से कम है, 3 ऐसे उतार लिया, और इसके नीचे एक न्यू नेंड का साइन लगाना है, न्यू नेंड मतलब एक पॉइंट। तो ये हमारे पास संख्या सॉल्व हो गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना। तो ये आ जाएगा 1, ये 8, और ये न्यू नेंड मतलब एक कम। तो 3 के नीचे डॉट लगाने का मतलब 3 में से एक माइनस करना, यानी कि यहाँ पे 2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 281, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहली डिजिट हमें 10 में से माइनस करनी है, 10 में से 2 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8। अगेन दूसरी डिजिट मैंने कहा था 9 में से माइनस करनी है, जिसके ऊपर माइनस हो वो 9 में से माइनस करनी है। तो यहाँ पर 9 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 गया, ये आ गया 6, ये 9 में से 4 गया, यहाँ पे आ जाएगा 5। और यहाँ पर आपको ये संख्या 5 से कम नहीं, कम है तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज़ उतारना है। 5 या 5 से कम हो तो उसको ऐसे उतारना है, और उसके हाँ नीचे हमें एक न्यू नेंड का साइन लगा देना है, एक न्यू नेंड मतलब एक कम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 6, ये हमारे पास 5 है ही, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो एक बचा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। पहली डिजिट हमारे को 10 में से माइनस करनी है, जिसके ऊपर माइनस का बार लगा हुआ है, तो 10 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 8। अगेन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने बताया था आपको कि 0 हमेशा अपने आप में बार कैरी करता है, मतलब उसके ऊपर बार शो नहीं करते बट उस पर बार होता ही होता है। तो हम इसके ऊपर बार मानते हैं, तो मैंने कहा था एक संख्या को 10 में से अगली संख्या को 9 में से घटानी है, तो इसके ऊपर बार है तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास इसके ऊपर बार है, इसको 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6 आ गया, और ये वाली संख्या 5 या 5 से कम है तो इसको एज इट इज़ उतारेंगे और इसके नीचे एक डॉट लगा देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, तो ये आ जाएगा 36, 98। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 8, इसमें क्या करना है, वही सेम सिचुएशन, पहली संख्या पहली डिजिट को 10 में से माइनस करना है, तो 10 में से माइनस करने से आ जाएगा हमारे पास 1। दूसरी संख्या माइनस करनी है हमें 9 में से, जिसके ऊपर माइनस का साइन है उसी को केवल, तो इसको करोगे तो आप आ जाएगा 9 में से 4 गया 5। आगे वाली संख्या मैंने अभी बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि 0 के ऊपर बार माना जाता है, तो इसमें भी 0 के ऊपर बार मानेंगे तो इसको घटाएंगे 9 में से, तो 9 में से 0 गया तो 9। आगे वाली संख्या 5 या 5 से कम हो तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ उतारते हैं और उसके नीचे एक डॉट लगा देते हैं।
जैसे हम डॉट लगा देते हैं तो आगे वाली संख्या को कुछ नहीं करते, हम आगे वाली संख्या को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे ही उतार दिया हमने, डॉट लगाने के बाद आगे वाली संख्या को कुछ नहीं करते। अब हम इसको सॉल्यूशन करना है, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये आ गया 9, 5 माइनस 1 4, और ये लास्ट वाली डिजिट भी 4, तो आ गया 4491 इज द आंसर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।